चलिए शुरू करते हैं झारखंड स्पेशल खबरें। रांची में आज समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी का जनता दरबार लगा। इस जनता दरबार में अलग अलग फरियाद लेकर 60 से ज्यादा फरियादी पहुंचे। इसमें सबसे चौंकाने वाला मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था। रांची के गोसाई टोला के रहने वाले एक मासूम ने तस्करों के चंगुल से अपनी माँ को छुड़ाने की मंत्री से अपील की। मासूम के मुताबिक यहां से प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नौकरी दिलाने के नाम पर उसे और उसकी मां को दिल्ली ले जाया गया, जहां नौकरी के नाम पर उसकी मां को तस्करों ने अपने चंगुल में फंसा लिया। मासूम किसी तरह उनके चंगुल से भाग कर आया और मंत्री से अपनी मां को छुड़ाने की फरियाद ले पहुंचा। को छुड़ाने आया हूँ और वहाँ झारखंड की बहुत लड़कियां भी फंसी हुई है मानव तस्करी के मामले में दिल्ली में। मैं और मेरी बड़ी मम्मी तोरी चंदवा रेलवे स्टेशन से ट्रेन चढ़े थे, वहाँ फिर मेरे को सागर नाम का लेने आया, फिर वहाँ से सागर नाम का लेने आया, उसके बाद हम सभी को सकुरपुर ले गया, फिर वहाँ समीर नाम का प्लेसमेंट में छोड़ दिया, फिर सागर पैसा उठाया फिर वहाँ छोड़ दिया, फिर समीर मेरी बड़ी मम्मी को काम पर ले गया, फिर वहाँ से फिर ये लोग कमीशन बेचने के जैसे कमीशन ले लिया 80,000 जैसे, फिर हमको प्लेसमेंट ले गया, फिर मैं प्लेसमेंट में था, फिर वहाँ से मैं झाड़ू कर पोछा करते करते भागा। मैम ने ये बोला कि मैं तेरे बड़ी मम्मी को छुड़वा दूंगी। वहीं मासूम के फरियाद सुनकर फौरन मंत्री ने फोन पर अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मंत्री ने आईजी सीआईडी संपत मीना से बात कर मामले को गंभीरता से देखने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कठोर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। और स्वर्गीय महावीर को पिता है उनके, और ये पिस्का नगरी गोसाई टोली पिस्का नगरी रांची से है, ठीक है, और ये बच के मुश्किल से आए हैं, और उनका जो एजेंसी है दिल्ली से ये है एक राजा और लक्ष्मी का, जो सी ब्लॉक सुपुरपुर दिल्ली में है, और दूसरा है सीमा और समीर का है जो एम ब्लॉक सुपुरपुर दिल्ली में है। तो ये बच्चा फिलहाल यहीं पर रहा है, इनको कैसे किया जाएगा आप हमको जल्दी से बताइए। चूंकि हम यही इन लोगों के इसमें छोड़ दे रहे हैं, हमको गवर्नर के यहाँ जाना है, 1 बजे मेरा टाइम है, पल्लवी क्या करें हम बात करके देखें, नहीं तो यहाँ पल्लवी है और मनोहर है, ठीक है, सीएम सचिवालय में हम इन दोनों के भरोसे बच्चे को छोड़ रहे हैं, आप यही भेजिए, यही से बच्चा को उठा ले, हाँ काके बस सीएम हाउस के आगे जस्ट सीएम सचिवालय ना ठीक है। सरकार अपने स्तर से बिल्कुल प्रयास कर रही है कि मानव तस्करी रुके, और उसके लिए सभी जिला में इसका टास्क फोर्स है बनाया गया है, फिर भी कहीं ना कहीं इधर उधर से लोग शिकार बन जाते हैं। थोड़ा सा समय जरूर हम लोग को लग रहा है, लेकिन आने वाला समय में कम जरूर हो जाएगा इसका। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पूरे बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिहार झारखंड के में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं और एहतियातन लोग घरों से बाहर निकल चुके हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बिहार और झारखंड में लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं और एहतियातन लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो। तो बिहार झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और एहतियातन लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, और इस मामले पर हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि बिहार झारखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार झारखंड के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और एहतियातन लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। और इस वक्त जी पुरवैया भी आपसे अपील करता है कि आप इस दौरान घबराएं नहीं, पैनिक ना करें, एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए, खुले स्थानों पर आ जाएं, और हमारी अपील है कि इस दौरान आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करें, जो सारे स्विच ऑफ कर दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, एक बार फिर से बता दें हम आपको कि बिहार झारखंड के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं।
राजधानी पटना के साथ साथ बेगूसराय, सहरसा जैसे कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आरा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और साथ ही साथ झारखंड के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, भूकंप के तेज झटके बिहार और झारखंड में महसूस किए गए हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं भूकंप के दरमियान, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भूकंप आया था और इसकी तीव्रता कितनी थी कि सीलिंग जो फैन है वो हिल रहा था और जो भी दुकान में सामान रखे हुए हैं वो हिल रहे थे और एहतियातन लोग सड़कों पर निकल आए ताकि किसी तरह का जान माल का नुकसान ना हो सके। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आई है और ये है भूकंप, एक बार फिर से भूकंप ने दस्तक दी है बिहार और झारखंड में और लोग इसको लेकर काफी भयभीत हो चुके थे और लोग सड़कों पर निकल आए हैं। और रश्मि ने जैसा बताया कि इस दौरान बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घरों से बाहर निकलें और इस दरमियान लिफ्ट का प्रयोग कतई ना करें बल्कि सीढ़ियों से उतरें और जो भी बिजली के उपकरण हैं उन्हें बंद कर दें और खुले स्थान पर आ जाएं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। और आपको बता दें कि बड़ी खबर है, बिहार झारखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो भूकंप के झटकों से एक बार फिर से हिल उठा है बिहार झारखंड। बिहार झारखंड के कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी पटना के साथ साथ सहरसा, सुपौल, आरा, बेगूसराय जैसे जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झारखंड के भी कई हिस्से भूकंप से हिल उठे हैं। तो भूकंप की जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे और आपको याद भी होगा कि पिछले साल अगर 2015 की बात की जाए तो लगातार भूकंप के झटकों ने बिहार सहित पूरे भारत के लोगों को, पूरे उत्तर भारत के लोगों को हिला दिया था और सबसे ज्यादा तबाही जो थी वो नेपाल में हुई थी। हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, बड़े पैमाने पर नेपाल को इसका नुकसान उठाना पड़ा था और वहां पर अगर बात करें तो हिंदू कुश कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था जहां पर हिंदू कुश इसका केंद्र था और इसके बाद बिहार और झारखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो बिहार के साथ झारखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो एक बार फिर से बता दें आपको कि पटना, अररिया, सहरसा समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर, कोलकाता में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो एक बार फिर से पूरा भारत भूकंप के झटकों से हिल उठा। और बिल्कुल रश्मि, पुरानी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। 2015 का अप्रैल महीना यही महीना था जब नेपाल में भूकंप आया था और उसका असर पूरे उत्तर भारत में देखा गया था और नेपाल का पोखरा केंद्र था इस भूकंप का और कई लोगों की जानें भी गई थी। और वही इस वक्त रितेश हमारे जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। आनंद, बिहार झारखंड के साथ पूरा देश एक बार फिर से भूकंप के झटकों से हिल उठा है, क्या जानकारी दे रहे हैं? बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके आए हैं और इसका सेंटर पॉइंट का है, सिटी सेंटर का है, ये इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जो भी मौसम विभाग डायरेक्टर से हमारी बातचीत हुई इससे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है रश्मि कि जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए पटना में, अधिकांश जो बड़े मकान है, अपार्टमेंट है, उसके उसमें रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल गए हैं और लोगों में जबरदस्त घबराहट है। और मैं आपको बता दूं रश्मि कि 2-3 दिन पहले ही बिहार में हल्के भूकंप के झटके आए थे, उत्तर भारत में भूकंप के झटके आए थे, लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके से भूकंप के झटके आए। तो हमारे जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने मौसम विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, फिलहाल ये खुलासा नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया कि भूकंप का केंद्र कहां रहा, इंटेंसिटी क्या रही भूकंप की तीव्रता की। तो एक बार फिर से बता दें आपको, पटना, अररिया, सहरसा समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ना सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों ने सुरक्षा के लिहाज से अपने घरों को छोड़ दिया है, अपार्टमेंट से बाहर आ गए हैं, खुले स्थानों पर जा रहे हैं। और एक बार फिर से हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि इस दौरान बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है और संयम आप बरकरार रखें और धीरे धीरे अपने घर से, जब भी अगर आफ्टर शॉक भी आते हैं तो अपने घरों से आराम से आप निकलें और सीधे किसी खुले स्थान पर जाएं ताकि किसी तरह के जान माल का नुकसान ना हो सके। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद,
पिछले साल की अगर 2015 की बात की जाए तो इसी महीने में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और उसके बाद फिर भूकंप का आना, लोग कितने परेशान हैं। और अगर इंटेंसिटी की बात की जाए तो काफी तगड़ा भूकंप का झटका कहा जाएगा, 6.8 इसकी तीव्रता मापी गई है। तो भारत म्यांमार सीमा पर भूकंप का केंद्र रहा और भूकंप की तीव्रता इस वक्त 6.8 बताई जा रही है। तो एक बार फिर से बता दें आपको कि भूकंप का केंद्र रहा भारत म्यांमार सीमा और भूकंप की तीव्रता इस वक्त हमें जो मिल रही है, बताई जा रही है जानकारी के मुताबिक 6.8 रही भूकंप की तीव्रता। तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 दर्ज की गई और भारत म्यांमार भूकंप का केंद्र रहा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से पूरे भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और लोगों में एक बार फिर से घबराहट है और लोग इस दरमियान अपने घरों से एहतियातन बाहर निकल आए हैं क्योंकि आफ्टर शॉक भी आते रहते हैं और भूकंप का केंद्र जो है वो अमार बॉर्डर रहा है। और तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे सीमी ने संवाददाता आनंद अमृतराज की। और आनंद, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 दर्ज की गई है और क्या जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आप हमें? तो आपको बता दें कि एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मानी गई है, तेज झटके इसे कहे जा सकते हैं और लोग काफी इसको लेकर भयभीत हैं और एहतियातन जो भी लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। इस वक्त हमारे जी मीडिया संवाददाता सहरसा से जुड़ गए हैं मुकेश। मुकेश, सहरसा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, फिलहाल क्या हालात देख रहे हैं आप जिले में? एक बार फिर से बताओ आपको कि धरती कांपी है, लोग अपने अपने घरों से निकल करके बाहर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकले हुए हैं। जो मैदानी इलाका है वहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ लोग जो है भागदौड़ कर रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं और अभी तक लोगों का भय जो है वह कम नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि उनकी जिंदगी किसी तरह महफूज रहे। जी बिल्कुल, अगर मुकेश बात की जाए क्योंकि लगातार भूकंप के बाद अगर इधर कुछ दिनों के हालात की बात की जाए तो लगातार आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, तो इसको लेकर अगर बात की जाए आपदा प्रबंधन विभाग की, प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन किस तरीके से तैयार बैठा हुआ है? ऐसे मामले में प्रशासन पहले से रितेश बताओ आपको कि सतर्क नहीं रहता है, किसी तरह की जो कहें जो आपदा की जो तैयारी होती है, जो कवायद करी जाती है लोगों को समझाने की भूकंप को लेकर के या और कोई प्राकृतिक आपदा को लेकर के, इस इलाके में कोई ऐसी तैयारी पहले से मुकम्मल नहीं रहती है। प्रशासन की तरफ से भी लोगों को समझाने का अभी तक प्रयास नहीं हुआ है। मुकेश, भूकंप की तीव्रता काफी रही है, 6.8 काफी तीव्रता रही है, तो क्या किसी तरह के नुकसान की भी खबर है सहरसा से? अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है कि रिएक्टर स्केल पर क्या जो है तीव्रता रही है या फिर भूकंप का केंद्र कहाँ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये जानकारी आ जाएगी। लेकिन घटना निश्चित रूप से जो है लोगों को दहशत जदा करने वाली रही है, लोग दहशत में अभी भी हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है मुकेश, पिछले साल भी लगातार भूकंप के झटकों से लोग परेशान हो चुके थे, एक के बाद एक भूकंप के झटके आ रहे थे और काफी तादाद पर जान माल का नुकसान भी हुआ था, अगर सहरसा के लोगों से आपकी बात हुई होगी तो क्या कुछ इस वक्त वो सोच रहे हैं? बिल्कुल, कोसी का इलाका नेपाल से लगा हुआ है रितेश आपको बताओ, और जिस तरह से बड़ी त्रासदी हुई थी, आपको याद दिलाऊंगा कि यही महीना था जब भूकंप के तेज झटके आए थे नेपाल में और तमाम जो कोसी सीमांचल सहित बिहार का इलाका है वहाँ, तो लोग दहशत में है, डरे हुए हैं। लोगों का साफ कहना है कि भूकंप से लगातार उन लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आखिर कौन सी वजह है जो धरती इस तरह से कांप रही है, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं समझ पा रहे हैं लोग डरे हुए हैं और मुखर होकर बोल रहे हैं कि सरकार और जो प्रशासन है उनकी चिंता करे ताकि उनकी जिंदगी महफूज रह सके। जी रितेश जी बिल्कुल, मुकेश इस तमाम घटनाक्रम पर आप अपनी नजर बनाए रखें और हम आपको बता दें कि एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, बिहार झारखंड सहित पूरे भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, 7.0 इसकी तीव्रता मापी गई है। तो एक बार फिर से बता दें आपको, बिहार झारखंड समेत देश के कई राज्य एक बार फिर से भूकंप के झटकों से हिल उठे, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता
7.0 मापी गई है। म्यांमार बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। तो एक बार फिर से बता दें आपको, गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली, एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिहार, झारखंड की धरती भी एक बार फिर से भूकंप से हिल उठी।